ये ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन ओप्पो R17 Pro। और ये जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस कुछ हिडन फीचर इसी स्मार्टफोन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, तो चलिए इस वीडियो में हम करते हैं डिस्कस कुछ हिडन फीचर इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहला फीचर से ओप्पो की तरफ से वो है स्प्लिट स्क्रीन, यानी स्क्रीन को डिवाइड कर देना। इसकी हेल्प से आप काफ़ी बढ़िया टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप जैसे इनेबल करने के बाद 3 फिंगर के साथ स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग एप्लीकेशन यूज करने के लिए आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी अदर ऐप को इंस्टॉल करना है तो इसकी हेल्प से आप बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। आपका जो अलग से जो टास्क होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पर यहाँ एग्जाम्पल की तरफ से मैं लेता हूँ, मेरा यूट्यूब वीडियो जो ऑन है और मुझे किसी बंदे को मेल करना है, तो इसकी हेल्प से मैं अब बहुत ही आसान तरीके से कर सकता हूँ। किसी को भी मेल करना है तो मैं बहुत ही आसान तरीके से कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो मेरी वीडियो से वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इस तरह से जो ये जो फीचर्स है स्प्लिट स्क्रीन का, ये काफ़ी बढ़िया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोशन यानी गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डब्लू डाला तो यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब है वो ऑन हो चुका है, मिटमिन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए आप यहाँ पर जैसे मैं देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एम किया वैसे ही मेरा जो स्क्रीन वो अनलॉक हो गया है। तो ये कैसे करना है, तो जैसे आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्मार्ट कन्वीनियंट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर स्मार्ट कन्वीनियंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको गेस्चर स्क्रीन ऑन पे जाना होगा, और यहाँ से ऑन करके आप यहाँ पर आप अलग से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो ओपन ऊपर दिखा होगा यहाँ पर आपको प्री लोडेड आता है, यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है ये आपको कम्प्लीटली दिया होता है, और अलग से लिखने के लिए आपको यहाँ पर दिया होता है कुछ और तरह से, जहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट स्लाइड डाउन अप करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको जो एप्लीकेशन यूज़ करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक अलग एप्लीकेशन लेता हूँ एग्जांपल के तौर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही भी डाला, यानी कि भी आपको जो भी है वो थोड़ा ऐसे बनाना होगा जिस तरह से वो है। यहाँ पर आप करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो म्यूज़िक का एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर से काफ़ी बढ़िया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओप्पो का स्मार्टफोन है कलर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए अलग तरह के फीचर दिए रहते हैं, जिसकी हेल्प से आप जो ये गेमिंग से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा विदाउट लैकिंग के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया रहता है उसके लिए आपको यहाँ पर प्री लोडेड यानी फ्री फंक्शन आपको दिया रहता है, जहाँ पर आपको लिखा होता है गेम स्पेस। यहाँ पर जैसे ही आप करने के बाद आप यहाँ मैनुअली ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जो गेम होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप दिया रहता है गेम स्पेस का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से इस जो टास्क है वो आप काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फीचर देखने होते हैं, जैसे आप कोई भी अलग तरह के एप्लीकेशन या फिर गेमिंग के सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप क्लिक किए रहते हैं। तो उसकी तरफ से आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है गाइस बैटरी परसेंटेज का। काफ़ी लोग कहते हैं कलर ओएस में आपको बैटरी परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर जान सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओप्पो में, और इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। एंड गाइस, जो लास्ट फीचर है ओप्पो का वो है OTG। अभी आप अगर डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको अनसपोर्टेड देखने को मिलेगा, बट अनसपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है जो हिडन है, यहाँ पर आपको जैसे आप OTG कनेक्ट करने के बाद, यहाँ पर इनेबल करने के बाद जैसे आप OTG कनेक्ट करेंगे आपका आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो आपका ऐसा नहीं होगा। तो ये जो फीचर से वो दिया गया है, अगर आप सोचते हैं कि OTG कनेक्ट नहीं है तो OTG कनेक्ट है, और आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।